ध्यान में तुम कह रहे हो नो चित्र का माए किना पकड़ी गया एक दुकान में उधर श्याम टेलर्स की दुकान रात में नो बजे दो साढ़े आठ नौ बजे लेबड़ गया मौके के ऊपर और लाइव चला के मैं मेरे चैनल के ऊपर लाइव चला के पूरी घटना करने दिखाई एफ आई आर करवा दी रात में इतो तकड़ो प्रेशर हो डायरेक्टर साहब कि रात को पूरी तीन बजे तक बैठे रहने पर श्रीमान सी साहब ने उसमें एफ आई आर की पहले बोले इसमें एफ आई आर ही नहीं बनता फिर क्या झगड़ा हुआ कि फिर ये जय साहब ने बात करा दी के बाद जय साहब तो कह रहे हैं कि कृषि विभाग लेकर के जाएगा और कृषि विभाग कह रहे बाद जय साहब लेके गए दो घंटा रात में पूरी दो बजे दोनों डिपार्टमेंट ले गया मैं दूर खड़े रहे देखो मैं तुझे पहुंच गई दोनों मालो कोई आग बन जाए तो फिर मैं कुछ एस पी साहब को रात को पूरी तौर से जगा करके निकाल साहब इसमें मार कौन बंद करे तो एस पी साहब ने कहा कि मार पुलिस बंद करे फिर दो पुलिस क्या आदमी में बुझमा हो गया हम लगे चुनाव के बाद में हो गए हमने बार बार धंधा धोखे थे कि इसमें आप जो जान ट्रेडर वाले की दुकान पर पकड़े गए सार्वजनिक पूरी तस्वीर देखे भी मेरे 27 लाख व्यूज है मैं कहूँ सब तस्वीर देखे कि एकदम दुकान में माँ माल पकड़ी थी बोले ओके उसके बाद क्या हुआ बोले पकड़ लिया हमने धंधा दिन पर व्यक्ति के फोन करते रहे पकड़ लिया चुनाव निकल गया फिर हमने डेट की 26 तारीख को हम आपके थाने का घेराव करेंगे 25 तारीख को एक मुजरिम पकड़ करके लिया किसको लाए जो गुलाम का मालिक मैं फोन कर था मुझे इन लिए बोले उसको भी लिए मेरे पास रिकॉर्डिंग बन गई आदत कोई जिंदगी में करी को नहीं करा तो मैंने रिकॉर्डिंग तो की नहीं तो रिकॉर्डिंग मार्केट में भी टेस्ट कर दीवार के बिहार रिकॉर्डिंग कर ली दूसरे दिन जब हमने घेराव करा धंधा नहीं पूछा मैंने ध्यान प्रदेश वाली को क्यों नहीं आएगी बड़ा बुद्धि भी नहीं वो क्यों नहीं बोलिए बोले उसकी तो दुकान के आगे फिर के ऊपर माल रखे चला गया मैंने कहा कोल्ड रख के चला गया बोले कोई रख दे मैंने कहा यू कैसे रख सकते बोले मुलजिम ही नहीं है सब पास बड़े अधिकारी विधान ने कहा उसने की मुलजिम नहीं है तो नहीं है बात खत्म फिर हमने वहां बैठ रहे 9 दिन इस कड़कड़ाती ठंड में खाने के आगे राम है वो जो बात कह रहे थे जो दूध खाए सो प्याज खाए वो इसी बात पर बहुत ही मैं आपकी 9 दिन के बाद दोनों को मुलजिम माना बिल भी माने और एक आदमी और तो मार जाके गिर फिर भी मुलजिम माने और मैं नहीं कह रहा हूं माननीय न्यायालय से ऊपर देश में कुछ नहीं है माननीय न्यायालय ने डायरी पर नोट किया है ये बात शपथ ठीक है माननीय न्यायालय कि पुलिस की पैदल के लिए उस समय उसके ऊपर 420 भी नहीं लगी हुई थी और लगातार ये किसानों के दबाव में और बैठने के कारण और हमारे 5 किसान के बयान ने उनको बयानों को नोट करते हुए मजिस्ट्रेट में लाइन करते हुए उसकी जमानत ली जिस मजिस्ट्रेट ने पहले वाले की जमानत ले ली उसी मजिस्ट्रेट ने जमानत को खारिज की 12 दिन के बाद उसकी जमानत ली ये मुझे किसने माना एस पी साहब ने जांच देने के राउत के थाना अधिकारी को जांच देने राउत के थाना अधिकारी ने इसमें मैं कोई जोर नहीं जो अच्छा काम करेगा उस अधिकारी का सम्मान भी करेगा जीओ साहब ने इसमें बाकायदा स्पष्ट तौर पर कहा था कि मुलजिम बनना चाहिए मेरे सामने भी कार्य प्रयास नहीं किया इसमें कोई दोहरा नहीं फिर बताओ क्या करना हो मुलजिम बन गया पकड़ लिया पुलिस ने लाकर के लिखित में मेरे को कागज दे दिया कि मुलजिम है अब आप धरना समाप्त कर दो मैंने धरना समाप्त करके घर चला गया हूँ कुछ दिन मेरा एक मामले में माननीय न्यायालय कोर्ट में तारीख थी मेरी 16 के साथ उसमें हो गई सजा 6:30 बज गए 6:30 बजे पत्रकार मुझे कह रहे कि फोटो नहीं लेने दे रहे यानी जितनी रिश्तेदारी संख्या ही बोल रही जितनी सकड़ो भी का लाड ले रहा फोटो बोल रहे हैं मैंने फोटो लेने का तो सीओ से बात करनी पड़ी एडिशनल एसपी से बात करनी पड़ी एसपी को फोटो भी लेकर आना पड़ा एसडीएम को कहना पड़ा एडीएम को कहना पड़ा बताओ एक फोटो खींचकर का तेरे अपराधी बदमाश लुटेरा जो मतलब 1000 क्विंटल किसान के चने लूट करके खा गया उसकी फोटो के लिए पुलिस के पेट में दर्द हो रहा था खानदान ने कह दिया मैं नहीं लूंगा फोटो की बात कह रही थे खा लिया कि अभी फोटो को नहीं आंजा दे रही अखबार का रिश्तेदारी हमें इसकी वजह में बताओ फिर आखिर मैं धंधा जी को कहा कि मैं दोबारा तंबू लगा करके बैठ रहा हूँ इस फोटो के लिए तब एसडीएम साहब ने कहा कि तुम राकेश ने इसकी फोटो भिजवाओ 10 जाके फोटो भिजवाई धंधा जी इससे बड़ी शर्म की बात मेरा उस दिन मतलब के डिपार्टमेंट के हाथ ही बदल के वो विश्वास टूट गई सीओ साहब को कहा सीओ साहब ने हाथ खड़े कर दिए सीओ है डिपार्टमेंट के इन्होंने कह दिया मेरा तो धंधा कहना नहीं मान रहा मैंने कहा इससे बड़ी शर्म की बात डिपार्टमेंट के लिए हुई उसके बाद सर हुई है लगातार पिछले 2 महीने जितनी चोरी हमें जितनी राजस्थान में गई थी जितनी चोरी नोट एक भी चोरी के ऊपर नोट थाना अधिकारी के द्वारा कार्रवाई की जिसका नशा इतना फैल गया कि मतलब नशे को नोट में रिकॉर्ड तोड़ काम है आज सिंगल नशे के खिलाफ कार्रवाई
इतनी भयंकर बीमारी है सर जी, तरफ सिंथेटिक नशा है, सिंथेटिक नशा है, दो बच्चा पीड़ित लग जाता है, तीन साल के बाद उसको मरना ही पड़ता है, आखिर में टीके लगाने लग जाता है, फिर उसकी मौत हो जाती है। और वो इस इलाके में हरियाणा के माध्यम से दिल्ली के होते हुए बड़ा मात्रा में चिट्ठा इस इलाके में आता है और बिल्कुल भी कार्रवाई अभी तक नहीं। और चोरियों के मामले में चोरिया के मामले मतलब थाने में सारे तक चोरिया हुई, आज तक सिंगल कार्रवाई नहीं। मतलब देखो आप इसको तो अगली मीटिंग में जाके फेस कर दूंगा, एक गरीब आदमी देखो मोटरसाइकिल चोरी हो गई, उसको रोटी बढ़ावा और वो थाने में जो भी बदतमीजी और गरी कहते या तो दिमाग चला था नहीं तेरे खिलाफ एफ आई आर। अब आम आदमी थाना चिन क्या लोग तो मिल गए, वो आके मेरे पास गया, मैंने फोन करके कहा तब जाकर के एफ आई आर दर्ज हुई। आ रहा था इतनी चोरिया हुई है पिछले तीन महीने, अब इनको एक बात से दर्ज हो गया कि सो सो दुख है सो क्या है, ये तो प्रधान की बात है, हम सदन की मैं कह रहा हूँ ये राजस्थानी कुहावत है, अब कुहावत में कुछ भी बात बात कहते हैं। हालांकि मैं भी अच्छो कानून कह रही हूँ, कोई जो दुकान भी करा खुआ थाना क्षेत्र में तीन चार चोरिया हुई, इन्होंने तुरंत कार्रवाई की, मैंने खुद फोन करके जी को कह दिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने चोरिया खोलिए, ये नहीं करा की पूरा डिपार्टमेंट इसमें मतलब क्या भी चोर है, अच्छे अधिकारी भी है, लेकिन नोर थाना अधिकारी ने जितना उन चोरों का फर्श दिया उतना नहीं दिया, पूरी चुनाव चोरी के मामले बिन बात में फंसा टिप्पण तक आप घरों आया था रोटी भाई पूरिया आप दिया खानदान बटोरा बुरी बात हो सकते हैं। अब बात के साथ दौर में तमिल फर्टी राज्य प्रधान थी तमिल फर्टी नकली डीएपी पकड़ी, तीसरी मीटिंग में लगातार बात उधार छूट दी गए तो हाईकोर्ट टूट गया, वो हाईकोर्ट टूट गयो, हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत मिल गई नहीं मिल गई, वो जाने को काम जाने बाद पकड़ लिया थे, लेकिन तंबल फर्टिलाइजर ने नोटिस देने पुलिस के दर्ज किए हुए। दो नंबर बात, हमने पिछली बार कहा था कि सीआई के पास जांच नहीं लेनी चाहिए, एडिशनल साहब को कहा जांच सीओ के पास आनी चाहिए, आर्मी हमारी दोबारा पुनः मांग है, जितना मैं इस बीएपी प्रकरण को लेकर के धरना दूंगा, मैं फिर मैं कहूंगा कि भी एडिशनल साहब को भी इस मामले की जांच सीओ लेवल के अधिकारी को, तो इतना बड़ा मामला है करोड़ों रूपये का जिसमें कैसे तो जांच करके, और एक फाइल है जो की डेढ़ साल से थाने में पड़ी है, नहीं तो कोई फाइल तीन महीने के बाद एसपी की अपेक्ष होती है, मुझे लगा डेढ़ साल हुए फाइल है जो की पेंडिंग पड़ी हुई फाइल में रो लिखिए मेरे को नहीं, मैं दो दिन मुलजिमान और इसी मतलब की है खतरनाक फाइल बनी जो मुलजिमान 15-17 करके बाहर पहुंची दो दो करोड़ रुपया खाने का करता आया, क्योंकि मैं फाइल का मूल इलाज कर एकदम लाइव वीडियो तक लीजिए, सब पकड़ लिए, सब कुछ पकड़ लिया, एफ आई आर